आप सभी को मेरा नमस्कार। एसपी डिजाइनिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। तो आप देख सकते हो ये वाला वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी जो ब्लाउज की जो हम डिजाइन वाली आस्तीन जो अभी चल रही है लेटेस्ट में प्लेटो वाली डिजाइन, तो वो डिजाइन दिखाऊंगी। तो मैंने डिजाइन के लिए जो आस्तीन का ब्लाउज है जो मैंने येलो कलर का लिया है, ब्लाउज तो मैंने येलो कलर का लिया है पर आस्तीन में इसमें पिंक कलर की लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो ये आस्तीन के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। इसमें क्या आस्तीन का जो कपड़ा होता है वो ज्यादा लंबा होना चाहिए क्योंकि हम चुनेटे डालते हैं तो उसमें हमारा कपड़ा कम ना पड़े। तो इस प्रकार से हमें आस्तीन का ये कपड़ा लेना है। तो मैंने ये कपड़ा ले लिया, आप देख सकते हो पूरा एक मीटर वाला ब्लाउज की पीस में से निकाला है मैंने। तो इसकी लंबाई काफ़ी है तो हमें इसको जो हमारी ये लंबाई है हमें आस्तीन की जितनी लंबाई होती है वो जितनी आपको पसंद हो, आप 4 इंच की आस्तीन पहनते हो, 11 इंच की आस्तीन पहनते हो या 3 इंच की आस्तीन पहनते हो, जितनी आपको पसंद हो। तो मेरे को इसको ना जो 10 इंच की आस्तीन बनानी है, 10 इंच की आस्तीन बनानी है इसकी, तो 10 इंच के हिसाब से मैंने 8 इंच का जो ये हमारा ये कपड़ा है ये ले लिया है और येलो कलर का ब्लाउज है हमारा पूरा। तो मैं इसमें से निकालूंगी 2 इंच का जो कपड़ा है नीचे जोड़ने के लिए, जो नीचे पट्टे टाइप में जोड़ूंगी वो वाला। तो मैं आपको इस आस्तीन को काट कर दिखाती हूँ। आस्तीन का जो कपड़ा लिया था जो हमने चौड़ाई में लिया था, इसका लंबाई इसकी 1 मीटर की है और चौड़ाई इसकी दोनों आस्तीन की है। तो हम इसको बीच में से काटेंगे, जो हमारी जो आस्तीन है उस हिसाब से हमें आस्तीन बनानी है। तो इसको बीच में से ये जो जॉइंट है इसका, तो बीच में से काट कर इसको अलग कर लेते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा ये आस्तीन वाला ये है तो हमारी दोनों हाथों की दोनों आस्तीन बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने आस्तीन के दोनों जो पार्ट थे वो काट कर बिल्कुल अलग कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो इसके नीचे लगाएंगे हम येलो कलर का जो मैंने बताया था ब्लाउज काटा है मैंने, तो येलो कलर की, क्यों मैं इसमें आस्तीन की ही डिजाइन बता रही हूँ, पूरा ब्लाउज की कटिंग नहीं बता रही। पूरा वीडियो देखना है वो आपको ब्लाउज की कटिंग का, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो क्या है, इसके नीचे का जो पट्टा लगाएंगे हम यहाँ से काटेंगे। तो आप आस्तीन के हिसाब से काट सकते हो, 8 इंच की मैंने ये आस्तीन ले ली है, तो 2.5 इंच की हमें 2.5 या 3 इंच की ये लेनी है क्योंकि हमारी सिलाई में भी जाएगी। तो इस प्रकार से हमें ये 3 इंच की ये लेनी है, 3 इंच से हमें ये काटना है हमारे ब्लाउज की जो भी हमारी मोटाई होगी उस हिसाब से काटना है। क्योंकि जो ये कपड़ा लिया है मैंने इस वजह से लंबा लिया है क्योंकि हम इसमें चुनेटे डालेंगे तो हमारी जो आस्तीन की मोटाई होगी उस हिसाब से हम बना लेंगे। तो हमें जो ये कपड़ा लेना है ये हमें आस्तीन की मोटाई के हिसाब से लेना है। तो यहाँ से 3 इंच का लेना है हमें, तो 3 इंच पे से हम इसको काट लेते हैं। तो इस प्रकार हमें इसको सीधा ही बिल्कुल सीधा काटना है, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सीधा आसान तरीके से कट कर तैयार हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से हमें इसको सीधा का सीधा काट लेना है। आप देख सकते हैं मैंने ये वाली डिजाइन ये भी काट लिया है और ये भी काट लिया है। तो अब इसकी जो सिलाई देखनी है आपको तो आप मेरे वीडियो पे देख सकते हैं, मैंने इसकी ओनली कटिंग बताई है आपको। तो इसको स्टिचिंग करते समय क्या है, हमें इस प्रकार से इसमें चुनेटे डालकर और इसको नीचे जोड़ेंगे हम, तो इस प्रकार से ये आस्तीन रेडी होगी। तो आस्तीन का पूरा वीडियो देखना चाहते हो आप तो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो आप। तो अगर आपको मेरी आस्तीन की डिजाइन कटिंग की डिजाइन पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।